आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस यूनिट का सेंट्रॉइड इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड को हम सेंटर ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ एरिया। सेंट्रॉइड कोई भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या प्लेन ऑब्जेक्ट्स के लिए निकाला जाता है। सेंट्रॉइड वही पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, यानी प्लेन ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं या सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ एरिया या सेंट्रॉइड कोई भी प्लेन ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम रेक्टेंगल लेते हैं, एक रेक्टेंगल या आयत, इसका सेंटर ऑफ एरिया या सेंट्रॉइड जहां पर इस रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स आपस में मिलेंगे वहां पर होगा, यानी इनके डायगोनल्स इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो यहां पर इसका सेंट्रॉइड है। ये सेंट्रॉइड मान लीजिए अगर इसकी लेंथ एल है और इसकी ब्रेड्थ बी है, उस केस में ये इसकी आधी दूरी पर होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये एल बाई टू होगी, और अगर ब्रेड्थ बी है तो यहां से यहां तक जो इसकी ऊंचाई है ये बी बाई टू होगी। तो इस प्रकार जो इसका सेंट्रॉइड है इसके कोऑर्डिनेट्स एल बाई टू कॉमा बी बाई टू हो जाएंगे, यानी एल बाई टू एक्स की डायरेक्शन में और बी बाई टू वाई की डायरेक्शन में, एल बाई टू कॉमा बी बाई टू। तो ये इसका सेंट्रॉइड कहलाएगा, यानी किसी भी रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड उसकी लेंथ का आधा कर देंगे और ब्रेथ का आधा कर देंगे तो हमें उसका सेंट्रॉइड मिल जाएगा। रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड हमारे बहुत काम का है क्योंकि हमारे आने वाले क्वेश्चंस में ये रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड ही काम आएगा। इसके अलावा कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है जैसे कि एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वह अगर इस ट्रायंगल की हाइट h है तो सेंटर ऑफ एरिया या सेंट्रॉइड जो है वह इस ट्रायंगल के तीनों मीडियंस के मीटिंग पॉइंट पर होगा। मीडियन का अर्थ होता है किसी भी वर्टिस से, किसी भी कॉर्नर से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी सामने वाली साइड इसका मिड पॉइंट और इस वर्टिस को अगर यहाँ से ज्वाइन करेंगे और इस वर्टिस को इसके सामने वाली साइड से ज्वाइन करेंगे, इस वर्टिस को सामने वाली साइड से ज्वाइन करेंगे, तो जहां पर ये तीनों मीडियंस आपस में मिलती हैं वो जो पॉइंट होता है वह उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। तो ये ट्राइंगल सेंट्रॉइड हो गया जहां पर तीनों मीडियंस मिल रही हैं, और इस ट्राइंगल की हाइट अगर h है तो जो ये सेंट्रॉइड है इसकी हाइट h बाई थ्री होती है। ये ध्यान रखना है, जो ट्राइंगल होता है उसके सेंटर सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो इसके बेस से h बाई थ्री के ऊपर होती है। इसी प्रकार मान लीजिए एक सर्कल है, तो सर्कल के केस में जो इसका सेंटर होता है वही इसका सेंट्रॉइड है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सर्कल का। तो अगर मान लीजिए सर्कल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है तो जितना इसका रेडियस होगा उस हाइट पे इसका सेंट्रॉइड होगा, यानी रेडियस आर के बराबर हाइट के ऊपर इसका सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगर कोई सेमी सर्कल है, यानी आधा सर्कल, अर्धवृत्त, सर्कल का मतलब वृत्त और आधा, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त के केस के अंदर जो सेंट्रॉइड होता है वह
फोर आर अपॉन 3 पाई इस हाइट के ऊपर होता है, यानी जो सेमी सर्कल है इसके सेंट्रोइड की जो हाइट है वह 4 आर अपॉन 3 पाई है। तो इस प्रकार कि कुछ सिंपल फिगर्स के सेंट्रोइड आपको ध्यान होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें रेक्टेंगल। तो इसके बाद की जो हम सिंपल फिगर्स जो रेक्टेंगल से मिलके बनती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी सिंपल टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट जो कि रेक्टेंगुलर पोर्शन से मिलके बनती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसलिए रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ एरिया या सेंट्रोइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एक टी सेक्शन, टी सेक्शन यानी टी आकार का सेक्शन, टी शेप के आकार का कोई ऑब्जेक्ट, इसको हम टी सेक्शन बोलते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं टी सेक्शन जो है एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट है ये। यह दो रेक्टेंगल से मिलकर बनी, एक रेक्टेंगल ऊपर है एक नीचे है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये दो रेक्टेंगल हो गए। तो हम इस रेक्टेंगल का सेंटर निकालेंगे या सीजी निकालेंगे, इसका सीजी निकालेंगे और फिर इनका एक कंबाइंड सीजी निकालेंगे। या मान लीजिए एक इस तरह की शेप के ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जैसे हम दिख रहा है एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल से मिलके बनी है, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। या एल सेक्शन यानी ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि एल की शेप की होगी, एल सेक्शन कहलाएगी। तो ये भी दो रेक्टेंगल से मिलके बनी है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके एक रेक्टेंगल नीचे एक रेक्टेंगल ऊपर। या आई सेक्शन ऐसी ऑब्जेक्ट जो कि आई शेप की होगी, तो आई सेक्शन में हम देख रहे हैं कि इसको हम तीन रेक्टेंगुलर पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। या चैनल सेक्शन या सी सेक्शन, तो चैनल सेक्शन जो है इसके अंदर भी हम इसको तीन रेक्टेंगुलर पोर्शन डिवाइड कर सकते हैं, एक दो और तीन। तो इस प्रकार की नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बन सकती है जो कि सिंपल ऑब्जेक्ट्स को जोड़ के बनाई गई है। जैसे आपने एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और एक सेमी सर्कल को जोड़ के इस तरह ऑब्जेक्ट बना दी, तो इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स हो गई, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल और एक सेमी सर्कल। तो इस प्रकार से बनाई गई ऑब्जेक्ट्स सिंपल प्लेनार ऑब्जेक्ट कहलाती है। इन ऑब्जेक्ट्स को पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना होता है, यानी रेक्टेंगल में, ट्राइंगल में या सेमी सर्कल में या सर्कल में, और फिर हमें इसका एक कंबाइंड सीजी निकालना होता है, यानी इस ऑब्जेक्ट का कंबाइंड सीजी कहाँ पर होगा वो निकालिए, इसका कंबाइंड सीजी कहाँ होगा वो निकालिए। तो कंबाइंड सीजी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला क्या हम देखेंगे अभी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सीजी मान लो यहाँ पर होगा कहीं, तो सी जी की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम एक्स बार कॉमा वाई बार कहते हैं। तो एक्स बार जो होगा यानी सी जी का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस डैश अपॉन ए वन प्लस ए टू। इसी प्रकार वाई बार यानी सी जी का वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस कंटिन्यूअस आगे इस पर डिवाइड बाई ए वन